बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद समरीन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखें, आमीन सुमा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी, और जो इसमें हम एक मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे वो सब बच्चों का फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है बच्चे का। तो आज हम बनाएंगे मैगी ऑमलेट बनाएंगे, और मैगी तो हम सब बच्चों की फेवरेट होती है, तो आज हम इसको न्यू लुक देंगे, एक बहुत ही मज़े की लुक देंगे, और ये बहुत ही मज़े की आज की रेसिपी होने वाली है। तो आप एंड तक इस रेसिपी को ज़रूर देखें। तो मैगी ऑमलेट रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑमलेट मैगी बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे मैगी, और मैंने यहाँ पर दो छोटे पैकेट मैगी के ले लिए हैं, और मैगी का मसाला भी निकाल लिया है। मैगी बनाने के लिए मैंने 2 कप पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मैगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैगी को प्रेस करेंगे हल्का हल्का। अब इसमें ऐड करेंगे मैगी का मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहे तो आप इसमें सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। कर लेंगे अच्छे से, और इसको तब तक कुक करेंगे जब तक इसका पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। पानी खुश्क हो चुका है और मैगी रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे ऑमलेट। ऑमलेट बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 अंडे, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबलस्पून, नमक हसबे ज़रूरत, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबलस्पून, 1 छोटे साइज का चॉप किया हुआ टमाटर, 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 छोटे साइज का अनियन, मैंने इसको चॉप कर लिया है, 2 टेबलस्पून धनिया। तो सबसे पहले हम अंडों में ऐड करेंगे स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटोज, धनिया, अनियन, और सब्ज़ मिर्च। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालकर उसे गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडा, जिसका हमने मिक्सर बना लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अंडे को 50% कुक करेंगे। अंडा 50% कुक हो चुका है, अब हम अंडे के ऊपर डालेंगे मैगी, जिसको हम ऑलरेडी बना चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैगी को आप स्प्रेड करके डालें ताकि वो अच्छे से हर जगह डल जाए। अब हम इसको पलटेंगे, तो मैंने इसको पलट लिया और हमने इस तरीके से इसको पलटना है। अब हम इसको कुक करेंगे 5 से 10 मिनट। हमारा मैगी ऑमलेट कुक हो चुका है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह मैगी ऑमलेट की लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी मज़े मज़े की रेसिपीज़ बआसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।